यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, रेल पर पानी चढ़ जाने के कारण आगमन बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा रखी है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में आपको बता दें कि और जहां कई घर, कई बिजली के खंभे, मवेशी बाढ़ की चपेट में आने से बाढ़ के पानी में समा चुके। वहीं अब बात करें मुंगेर के जमालपुर सुल्तानगंज रेलखंड की, जहां पर अब पटरी तक बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है, जिसे देखते हुए अब कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। स्थिति काफी खराब चल रही है। बता दें बड़ियारपुर के पुल संख्या 195 के बॉर्डर को बाढ़ का पानी छू रहा है, जिस कारण रेलवे ट्रैक इस समय बाढ़ के पानी का भारी दबाव सह रहा है। वहीं इस वजह से रेल प्रशासन ने जमालपुर और सुल्तानगंज रेल खंड को फिलहाल बंद करते हुए कई गाड़ियों को कैंसिल कर दिया है, तो कई महत्वपूर्ण गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। जमालपुर स्टेशन पर रेल कर्मचारियों के द्वारा लगातार माइकिंग की जा रही है। रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण भागलपुर की ओर जाने वाली और भागलपुर की ओर से जमालपुर की ओर आने वाली रूट को बंद कर दिया गया है। रेल रूट बंद हो जाने से सुबह सुबह अपने काम और यात्रा पर निकले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या तो वे मायूस होकर अपने घर को वापस लौटने पर मजबूर है, या फिर स्टेशन पर ही रूट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आए थे, मगर सूचना मिलने के बाद अब वो घर लौट रहे हैं। बता दें कि बाढ़ का पानी जमालपुर भागलपुर रूट को फिलहाल बंद कर चुका है। भागलपुर क्या पता क्या कैंसिल हो गया ट्रेन? हाँ, क्या बाढ़ के कारण? कैसे जाइए? कैसे पता नहीं। क्या मनोज कुमार झा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।